हर हर महादेव सभी को। तो आज आप देखेंगे 108 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर मैंने शिवलिंग का श्रृंगार किया है मंदिर में जाकर। और वैसे आपने मेरी वीडियो में देखा है, जो हमारे घर पर शिवलिंग है, मैं उसी का आपको तरह तरह से श्रृंगार करके आपके साथ शेयर किया है। पर आज मंदिर में जाकर हम बेलपत्र से श्रृंगार करेंगे, और श्रृंगार होने वाला बहुत ही अद्भुत, साथ ही साथ मंदिर में कीर्तन भी चल रहा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और कहीं भी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 108 पत्ते लिए थे, धोने के बाद उन्हें गिन लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर चंदन से सभी पर ओम नमः शिवाय लिखा है, और उनको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। और उसके बाद में उन सभी को एक बास्केट में रखने के बाद हम मंदिर में उनको लेकर जाएंगे। और आज है सावन का चौथा सोमवार, तो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है ये सारा चीज़ करने के बाद। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं घर पर ही, जो बेलपत्र है उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर और भोले बाबा के शिवलिंग पर आप अर्पण कर सकते हैं इनको, और अपनी मनवांछित फल पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पर मैंने इसी तरह से सभी पर ओम नमः शिवाय लिख लिया है, और इनको थोड़ी देर सूखने के बाद अब इन्हें इस बास्केट में कर लेंगे। साफ़ सुथरी बास्केट हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, और 108 बेलपत्र हो गए हैं ये। तो चलते हैं अब मंदिर की तरफ और आगे कीर्तन भी सुनेंगे। सर्वदा दे ना रे मेरा बोला।
Thank you.